हेलो दोस्तों, मैं हूं चित्रेश कुमार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे करंट इंजेक्शन किट क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, इससे इंडस्ट्री में इसका यूज़ क्या होता है। आज के इस वीडियो में समझेंगे और डिस्कस करेंगे बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही कम समय में। दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों जो करंट इंजेक्शन किट होता है, इससे नॉर्मली किसी भी इंडस्ट्री में अगर सीटी को चेक करना हो, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर को अगर चेक करना हो कि हमारा जो करंट ट्रांसफार्मर है ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सही है या फिर ख़राब हो गया है, तो दोस्तों इससे करंट इंजेक्शन किट से सीटी को चेक किया जाता है। अब वो कैसे चेक करते हैं? दोस्तों जो करंट इंजेक्शन किट होता है इसमें नॉर्मली सिंगल फेज की सप्लाई देते हैं, यानी कि 220 वोल्ट अगर हम इनपुट में देंगे तो ये हमको आउटपुट में 0 एम्पियर से लेकर के 280 एम्पियर तक हमको सप्लाई देगा, यानी कि एम्पियर देगा, करंट देगा। अब वो डिपेंड करता है कि हमारा जो सीटी लगा हुआ है हाई टेंशन में, वो उसका रेशियो क्या है। नॉर्मली जो सीटी लगा होता है वो 150/5 का लगा होता है, यानी 150/5 का लगा होता है। लेकिन दोस्तों अब हमको उसको कैसे चेक करेंगे? जो हमारा करंट इंजेक्शन किट होता है तो जितने की हमारी सीटी होती है, यानी कि अगर 150/5 का है तो उसमें हम 100 एम्पियर मतलब 75% अगर हम उसमें करंट देंगे तो उससे पता लग जाएगा कि हमारा सीटी ख़राब है कि नहीं ख़राब है या फिर सही है। तो अगर हम उसमें सीटी में चेक करना है तो हम करंट इंजेक्शन किट को ऑन करेंगे और उसमें हम 100 एम्पियर का करंट देंगे। अब वो दोस्तों हम कैसे चेक करेंगे? उस क्लैंप मीटर होता है, क्लैंप मीटर से हम एक वायर में उसको चेक करेंगे कि कितने एम्पियर इसमें करंट जा रहा है। अब हमको उसको सेट करना है 100 एम्पियर पे। दोस्तों डायरेक्टली हमको नहीं उसमें दे देना है, हमको कम से शुरुआत करना है, यानी कि 0 से 10, फिर 20, फिर 50 एम्पियर, फिर 100 एम्पियर तक हमको जाना है। ये अगर 150 एम्पियर से हमको ज़्यादा उसमें नहीं देना है, अगर 150 एम्पियर से अगर हम ज़्यादा करंट इसमें देंगे तो हमारा जो सीटी है वो ख़राब हो जाएगा। अब सपोज़ मान लीजिए कि कोई सीटी है वो VCB में लगा हुआ है। दोस्तों नॉर्मली जो ST का सीटी होता है वो VCB में लगा होता है, यानी कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में दोस्तों नॉर्मली क्या होता है कि हर इंडस्ट्री में एक करंट रेटिंग फिक्स होता है कि किसी भी इंडस्ट्री में मान लीजिए 100 एम्पियर सेट है, किसी में 150 एम्पियर सेट है। वो दोस्तों कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंपनी कितने एम्पियर पे VCB को सेट किया हुआ है। लेकिन अगर नॉर्मली बात कराया जाए तो वो 100 एम्पियर पे सेट होता है, यानी कि अगर 100 एम्पियर से अगर करंट ज़्यादा ओवर होगा, कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर कहीं पे बहुत बड़ा फॉल्ट हो गया, अगर उसकी वजह से VCB में 100 एम्पियर अगर करंट का फ्लो हो रहा है, अगर उससे ज़्यादा का हो रहा है तो VCB हमारा ट्रिप हो जाएगा और कोई भी बहुत बड़ा फॉल्ट होने से बच जाए। अब दोस्तों VCB के अंदर CT भी लगा होता है, PT भी लगा होता है, यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर से अगर VCB के अंदर हाई अमाउंट में अगर करंट फ्लो होगा, यानी कि अगर 100 एम्पियर पर का सेट है, अगर 100 एम्पियर से ज़्यादा फ्लो होगा तो VCB हमारा ट्रिप हो जाएगा। और PT लगा होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कि अगर मान लीजिए कि हमने 11 kV या फिर 33 kV की सप्लाई ली हुई है तो उसके एक वायर में कितना वोल्टेज है वो चेक करने के लिए होता है। नॉर्मली अगर 11,000 की बात किया जाए तो दोस्तों 11,000 में एक वायर में 6385 वोल्ट का करंट वोल्टेज फ्लो होता है, यानी कि प्रत्येक वायर में 6385 आपका वोल्टेज होगा। अब दोस्तों PT उसी लिए यूज करते हैं कि हमारे जो 11,000 का अगर हमें सप्लाई लिया हुआ है उसमें कितना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों CT का यूज इसलिए करते हैं ताकि VCB के थ्रू अगर VCB में अगर ज़्यादा एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो VCB हमारा ट्रिप हो जाएगा और कोई भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। अब दोस्तों उसको समय समय पर उसको चेक भी करना होता है कि VCB हमारा सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो ट्रिप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए उसको हमने 100 एम्पियर पे अगर सेट कर दिया है तो 100 एम्पियर से अगर ऊपर हो रहा है तो वो ट्रिप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब दोस्तों जो हमारा करंट इंजेक्शन किट होता है उससे हम जो VCB का जो CT होगा उसमें हम 100 एम्पियर करंट का देंगे। अब अगर वो 100 एम्पियर से अगर ऊपर जा रहा है, यानी कि अगर 110 एम्पियर जा रहा है या फिर 101 एम्पियर भी अगर जा रहा है तो VCB हमारा ट्रिप हो जाना चाहिए। अगर ट्रिप नहीं हो रहा है तो यानी कि हमारा जो सीटी है वो ख़राब हो चुका है, सीटी को तुरंत ही उसको चेंज करना होता है। अगर वो 100 एम्पियर से कम समय में अगर ट्रिप हो जा रहा है, यानी कि अगर 100 एम्पियर से वो अगर ऊपर गया, अगर वो तुरंत ट्रिप हो जा रहा है तो हमारा सही है। दोस्तों नॉर्मली जो करंट इंजेक्शन किट होता है वो ST या फिर LT में जो CT लगा होता है, जो करंट ट्रांसफार्मर लगा होता है उसको चेक करने के लिए होता है। उसको हम किसी बाहरी सोर्स से, यानी कि करंट इंजेक्शन किट से बाहरी सोर्स से अगर उसमें हम 100 एम्पियर का अगर करंट देंगे
तो VCB हमारा चेक हो जाएगा। और अगर VCB अगर हमारा ट्रिप हो रहा है, अगर 100 एम्पीयर से अगर ज़्यादा जा रहा है, अगर हमारा VCB ट्रिप हो रहा है, तो यानी कि VCB हमारा सही है, जो हमारा CT लगा हुआ है वो सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये दोस्तों सालाना या फिर 2 साल पे 3 साल पे चेक करना होता है। नॉर्मली इसको 1 साल में ही चेक किया जाता है, VCB हमारा सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इसको चेक नहीं किया जाता है, अगर किसी दिन अगर प्लांट में अगर बहुत बड़ा फॉल्ट हो गया, अगर हमारा VCB सही से वर्क नहीं करेगा, तो कोई बहुत बड़ा फॉल्ट हो जाएगा और आग भी लग सकता है। तो इस चीज़ को समय समय पर इसको चेक किया जाता है, यानी कि सालाना इसको चेक किया जाता है कि CT हमारा सही से है कि नहीं है, हमारा VCB सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।